प्रयाग के सुपरमार्केट में हुई फायरिंग, 10 लोगों की मौत, 3 घायल। हमलावर की हुई पहचान। सीएम शिवराज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई बैठक, महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा। सीएम ने कहा, गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूँ। भोपाल में कई शहरों में आंधी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गौरेला जिले में कई जगहों पर मौसम ने अचानक ली करवट, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं और आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। और सरदारपुर के दसई गांव के प्राचीन नरसिंह मंदिर में मनाई गई जयंती, घने जंगलों के बीच बने मंदिर में दूर दूर से आए श्रद्धालु, दर्शन करने के लिए हथियार लेकर जाते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूयॉर्क के बफेले इलाकों के एक सुपरमार्केट में शनिवार को फायरिंग हुई, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गोलीबारी में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। घटना शनिवार दोपहर की यानी भारतीय समय के अनुसार रविवार के रात 12 बजे की है। जिन 13 लोगों की गोली मारी गई है उनमें से 11 अश्वेत हैं। जिस इलाके में यह घटना हुई वह भी एक अश्वेत बहुल इलाका है। पुलिस नस्लीय हमले के एंगल से भी जांच कर रही है। हमले के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को फायरिंग और उसके बाद की जांच के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। बता दें कि हमलावर की पहचान 18 साल के पेटन एस गैंड्रोन के तौर पर हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सुबह बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कानून व्यवस्था और जन कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा संकल्प है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, सीएम शिवराज ने सुबह सुबह एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें हिमांशी, बैठक जो है वर्चुअल थी और इसमें अधिकारियों के ऊपर जो है वो इस प्रकार का एक प्रकार का दबाव सीएम ने बनाया है कि जो है आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और खास करके ये गुना का जो मामला हुआ है जिसमें 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है, बाद में उनको शहीद का दर्जा दिया गया है जी। तो उस पर भी खास करके चर्चा हुई है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है दोबारा कहीं पर ना हो जी। और अभी ताजा अपडेट इस गुना वाले मामले में भी ये है कि एक और जो अपराधी है शहजाद, उसको उसका भी एनकाउंटर हो चुका है, वो भी उसकी भी मौत हो चुकी है जी। तो इस प्रकार से, और सीएम ने निर्देश दिए हैं स्पष्ट तौर पे कि इनके जो घर हैं इनको जमींदोज किया जाए, बिल्कुल इस पर जैसी भी मशीन से इनको नष्ट कर दिया जाए ताकि अपराधियों में एक भय का वातावरण निर्मित हो और आगे अपराध करने से रुके। इसके अलावा जो है सीएम ने और भी निर्देश दिए हैं जो जनहितैषी योजनाएं हैं, और खास करके वर्तमान स्थिति में पीने का पानी, बिजली आदि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर अधिकारी ध्यान दें जी। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अभी कानून और व्यवस्था पर
सीएम का विशेष ध्यान है जी। और खास करके फील्ड में जो अधिकारी कार्यरत हैं इनमें बड़ा परिवर्तन होने की संभावना अभी लग रही है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनमें परिवर्तन होने की बहुत जल्दी संभावना है, क्योंकि जो फील्ड में ढंग से अपना काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं या ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं जी। उनको हटा करके और अन्यत्र भेजा जाएगा और फील्ड में जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं जिनकी सूची को सीएम अप्रूवल कर चुके हैं उस मुताबिक जो है वो पोस्टिंग की जाएगी, ये अभी तक का अपडेट है जी। जी राजेंद्र जी, जैसा कि सीएम ने कहा है कि किसी भी अपराधियों को यानी कि गुना के किसी भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो अब तक कितने अपराधियों की पुष्टि हो चुकी है? अपराधी जब पकड़ जाते हैं तभी अपराधी माने जाते हैं, उसके पहले तो जो है यह कोशिश रहती है जी कि भाई अपराध न हो जी, और ये कोशिश सरकार को लगातार करते रहना पड़ती है कि जो जिस प्रकार के लोग पुलिस के लिस्ट में रहते हैं उनके ऊपर सतत निगरानी करने से ही अपराध बच सकते हैं। तो अपराधियों को जो है संरक्षण कहीं का प्राप्त न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। तो अपराध कम होंगे और अपराध होने के पश्चात उन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सीएम का कहना है, और उनके निवास पर उनके ठिकानों पर बुलडोजर से उनको नेस्तनाबूत कर दिया जाएगा ताकि अपराधियों में दहशत बनी रहे और कानून की कार्रवाई जो है वो तो उनके ऊपर होगी ही जी। जी हिमांशी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश समेत कई शहरों में आंधी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, साथ ही 8 जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी भी किया है। वहीं शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नर्मदापुरम में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में कई प्रदेशों में जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी गर्मी के बाद रहवासियों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, 8 जिलों में बारिश हो सकती है। उन जिलों में शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नर्मदापुरम शामिल हैं जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। कई जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, 8 जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। उन जिलों में शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नर्मदापुरम शामिल है जहां बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, क्या है पूरी जानकारी?
देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश में मौसम का हाल बना हुआ और ऐसे में कड़ी आशंका जो बताई जा रही है कि राजधानी भोपाल के आसपास के जो कोई क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की जो संभावना है वो जरूर बताई जा रही है। देखिए सीहोर हो आसपास के अन्य क्षेत्र वहां आंधी तूफान चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है प्रदीप। देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर प्री मानसून की जो शुरुआत है वो होने वाली है और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में मानसून जो है वो 10 जून तक दस्तक दे सकता है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से मौसम विभाग की जानकारी निकल के आ रही है उसमें कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ जो है वो आंधी तूफान चलने की भी संभावना जो है बताई जा रही है। यानी कि भीषण गर्मी के बाद अब रहवासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है गर्मी से। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अगर बारिश की अगर बात करें, लगातार अगर बारिश हो रही है या अन्य किसी प्रकार से जो बारिश का जो पर्याप्त मात्रा में अगर हुई तो लोगों की जो चिंता है वो जरूर कम हो जाएगी। देखिए बारिश पड़ने से कहीं ना कहीं जो है तो ऐसे में ये देखा जाए कि जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं जो अभी तापमान में जो अधिकतम देखी जा रही है जो 43 से 45 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी, लोगों को जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर मिलती हुई नजर आएगी। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। गौरेला जिले में कई जगह मौसम ने अचानक करवट ली है जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत भी मिली है, साथ ही कई स्थानों पर तेज हवाओं और आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई है। वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ गए, साथ ही बिजली के खंभे गिरने और घरों के छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं गौरेला जिले की, जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली है, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, कई स्थानों पर तेज हवाओं की और बारिश भी हुई है, दूसरी ओर आंधी तूफान से पेड़ पौधे भी उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिरने से घरों के छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरेला से तनवीर आलम, खबर भारत के संवाददाता तनवीर आलम। तनवीर, कई जगहों में मौसम ने अचानक करवट ली है, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम ने दोपहर में अचानक से करवट बदल दी है, पूरे जिले में तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश हो रही है। वहीं पे अगर हम तेज हवाओं और तूफान की बात करें तो इससे जिले में ग्रामीण अंचल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तूफान ने। कई जगहों पे पेड़ गिर गए हैं, कई जगहों पे खंभे गए हैं, जिसकी वजह से विद्युत बाधित हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी जो ग्रामीणों की वो विद्युत बाधित है, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में और विद्युत बंद रहना ये सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बन रहा है। जी जैसा कि आपने बताया कि कई घरों के छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यानी कि घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो घर रहवासियों की क्या हालत है, कैसी क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए जो घरों में जो छप्पर लगाए हुए जो घर हैं, जो टीन शेड लगा के अपने घरों में रखते हैं, इतना तेज आंधी तूफान होने के कारण उनके घर की छतें जो उड़ गई थी, तो प्रशासन भी इस ओर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए रखे कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, तो प्रशासन भी अपनी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ा जो यहाँ आमजनों को मसला पैदा हो रहा है वो है बिजली संकट को लेकर मसला पैदा हो रहा है। तेज हवा के कारण ग्रामीण अंचलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, शहरी एरिया में तो फिर भी कुछ देर में बिजली की समस्या दूर कर दी जाएगी, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे बिजली की दिक्कत में अभी कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। जी जैसा कि आपने बताया तनवीर कि लोगों के घरों क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने कड़ी नजर बनाई हुई है, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किया है प्रशासन ने? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से लोगों को बिल्कुल अलर्ट मूड पे रखा है, और जो घर जंगल के या एकांत में जो करीबी है जहाँ तूफान का ज्यादा खतरा है, जो क्षति होने के, प्रशासन ने उनको कहा है कि आप लोग अभी अपने घरों में न रहें, किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं, जैसे प्रशासन की सरकारी स्कूल होती है, बिल्डिंग होती है, ऐसी जगहों पे आप लोग चले जाएं, क्योंकि 2 दिन का जो चक्रवाती तूफान का जो अलर्ट है इससे बचने की जरूरत है, जो भी संभावित मदद हो सकेगी प्रशासन की संभावित मदद करेगा। तो अभी पीड़ित रहवासियों के रहने की क्या कुछ इंतजाम है तनवीर?
जी बिल्कुल, अभी जो पीड़ित रहवासी है देखिए उसमें से कुछ घरों की जो छप्पर है जो सामने की साइड होती है वो छप्परें उड़ी हैं, लेकिन पूरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त नहीं हुए, लेकिन जो कुछ एकाध घर ऐसे हैं जिनके जो परिवारों के जो पूरी तरीके से छप्पर उड़ गए हैं उनको प्रशासन ने कोई सरकारी भवन वहीं पे गाँव का सरकारी भवन दे रखा है कि आप लोग जब तक यहाँ रहिए और तूफान थमने के बाद जो भी होगा प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा और उनके घरों की क्षतिपूर्ति करेगा। जी जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर। सरदारपुर के दसई गांव के प्राचीन नरसिंह मंदिर में नरसिंह जयंती मनाई गई। वहीं नरसिंह भगवान का श्रृंगार कर महाआरती के साथ ही महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। साथ ही मंदिर के पुजारी दुर्गादास बैरागी ने कहा कि मंदिर घने जंगलों के बीच से होने के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने के लिए बंदूक या कोई हथियार लेकर जाना पड़ता है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं दसई गांव के नरसिंह मंदिर पे। ये मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है श्री नरसिंह मंदिर जो दसई में स्थित है। यहाँ पर मंदिर का इतिहास तो इसे बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर मंदिर की प्राचीनता के विषय में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये मंदिर उड़कर आया है ऐसा पुराने लोग कहते हैं। पर इसके पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य चीज़ों को देखते हुए ये बहुत प्राचीन बताया गया है। यहाँ पर सेवा पूजा अर्चना करते हुए ही हमारे परिवार की 21 पीढ़ी अभी वर्तमान में पूजा कर रही है। हमारे पूर्वज पहले पूर्व में यहाँ पर बंदूक के पहरे में आकर सेवा पूजा करके जाते थे क्योंकि यहाँ पर भूतपूर्व बहुत पहला घना जंगल हुआ करता था जहाँ पर शेर और जंगली जानवर हुआ करते। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं दसई गांव के प्राचीन नरसिंह मंदिर की, जहाँ पर नरसिंह जयंती का आयोजन किया गया था। भगवान का श्रृंगार कर महाआरती के साथ प्रसादी का भी आयोजन हुआ। वहीं इस मंदिर पर जाने के लिए लोगों को अपने साथ बंदूक जैसे हथियारों की जरूरत पड़ी। बताया गया कि यह मंदिर जंगलों के बीच बसा हुआ है जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को हथियार लेकर जाना पड़ता है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदारपुर से नरेंद्र पवार। नरेंद्र, गांव के प्राचीन मंदिर में नरसिंह जयंती मनाई गई, क्या है पूरी जानकारी? बता देना चाहूंगा कि नरसिंह मंदिर में यहां पर भगवान नरसिंह की जयंती मनाई गई धूमधाम के साथ। यहां पर बताया जाता है काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ यह मंदिर उड़कर आया हुआ बताया जाता है, ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि यह उड़कर आया हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यह है कि इसमें नींव नहीं है, मतलब नींव नहीं है, जो कि मंदिर बिना उससे खड़ा हुआ है पूरा मंदिर, और काफी प्राचीन है, काफी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। नरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन करने के लिए अपने साथ हथियार लेकर जाना पड़ता है। जी जी, पुराने इतिहास में यह बताया गया है कि यहाँ पर यह मंदिर जब उड़ कर आया था, जब यहाँ पर शहर की गुफा हुआ करती थी, यहाँ पर उड़ कर आने के बाद यहाँ पर स्थापित हुआ। जब यह घने जंगलों में था तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनको पूजा करने के लिए साथ में हथियार ले जाना पड़ता था। जो ग्रामीण साथ में जाते थे और पूजा होती थी और हथियार लेकर जाते थे। यहाँ पर काफी जंगलों में यह मंदिर हुआ करता था पुराने समय में। जैसे कि यहाँ पर एक जयंती मनाई गई, नरसिंह जयंती मनाई गई, तो क्या कुछ इसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए गए थे? जी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं क्योंकि आज अब यह मंदिर गांव के नजदीक आ चुका है, ताकि इस प्रकार से कोई यहाँ पर पास में आ चुका है ग्रामीण। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। इंदौर में नगर निगम की ओर से भू जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों को जल मार्च कराया गया। बता दें कि अलग अलग जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें निगम ने बच्चों को भी शामिल कर लिया है। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बच्चों के साथ मिलकर जल संरक्षण की शपथ ली।
देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और इंदौर में ये जो इंदौर नगर निगम ने और इंदौर नगर निगम की पूरी टीम ने, माननीय कमिश्नर नगर निगम और सभी लोगों ने ये जो योजना लाई है जल संरक्षण की, वाटर हार्वेस्टिंग की, मुझे लगता है हम लोग आने वाले समय पे पूरे भारत में एक ऐसा शहर बनेंगे जिसमें प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट लगेगी, और साथ ही साथ ये जो वर्षा जल है इसके संरक्षण की दृष्टि से भी हम भारत में नंबर एक आएंगे, जैसे हम स्वच्छता में नंबर एक। आज का दिन इंदौर के लिए एक पवित्र अवसर है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जल की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प हमें लेना है, भू जल संरक्षण अभियान। और आज तरुण लोगों ने बरसात के जल को बचाने का संकल्प, आज सड़क पर निकलकर बेटा और बेटी जब भी कोई संकल्प लेता है वो पूरा होता है। जिस प्रकार से आपको पता है स्वच्छता का जुनून, एक तड़प, एक ललक, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक पूर्ति का जो विश्वास था, उससे प्रेरित होकर बरसात के जल को किस प्रकार से हम संग्रहण करें, पानी के अपव्यय को कैसे रोकें, जो पुरानी विरासत है, चाहे हमारा तालाब हो, नदी हो, नाले हो, बावड़ी हो, उनकी संरक्षण हम कैसे करें, ये उसकी एक नींव का पत्थर साबित होगी। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नगर निगम कमिश्नर और ये बेटे और बेटियों का और सारे जनप्रतिनिधियों का आभार और कृतज्ञ मानता हूँ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। We'll be right back.